हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। नीचे कई सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर ये तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम ही नहीं करा पा रहे हैं। तो जब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो मेन एग्जाम कब होंगे और नया सेशन कब शुरू होगा, क्या होगा सर? क्या यूनिवर्सिटी, एक दो लोगों ने तो कमेंट कर दिया सर यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ पैसा खाने पर लगे रहते हैं और कुछ काम ही नहीं हो रहा, बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर हम भी बड़ा अपसेट रहते हैं हमेशा। लेकिन सर हर आदमी सब कुछ नहीं बदल सकता है, पर हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा बदल सकता है और हर आदमी मिलके थोड़ा थोड़ा बदले तो शायद कभी बदलाव आ जाए। अब यहाँ पर आदमी मंदिर को, मस्जिद को, इन सारी चीज़ों, धर्म को बड़ा महत्व देता है। रोटी, कपड़ा, मकान, उसकी बेसिक नीड्स बोली जाती है। जब तक इनमें शिक्षा ऐड नहीं होगी, रोटी नहीं है तो आदमी दुखी है, जाएगा काम करने, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर शिक्षा नहीं है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आज हम डिटेल करने वाले हैं कि आपके पेपर कब होंगे, ठीक है, और होंगे भी या नहीं होंगे क्या पॉसिबिलिटी है। सर अगर हम नॉर्मली समझें, ठीक है, तो ऐसा कहा गया कि 7 से 8 दिन के अंदर इम्प्रूवमेंट की स्कीम आएगी दोबारा से, ठीक है। तो मान के चलिए सर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम हो जाएंगे, 10 तारीख तक 12 तारीख तक हो जाएंगे, ये बात क्लियर है, ठीक है। मान लें नहीं हो पाते, एक बात और भी, जो BSc फर्स्ट ईयर वगैरह वाले हैं उनके इन्होंने सेमेस्टर एग्जाम कराने हैं, वो भी जनवरी में, कोई कह रहा 24 तारीख से होंगे, कोई कह रहा कुछ है। तो यानी अब एक मजे की बात यह है कि जब ये इंप्रूवमेंट एग्जाम हो जाएंगे तो फिर इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद लोग जाके एडमिशन कराएंगे कॉलेज में, जब कॉलेज में एडमिशन चल रहे होंगे, ठीक है, फिर ये सेमेस्टर होने लगेंगे, इनके सेमेस्टर होंगे तो कॉलेजों में पेपर में, तो ये लोग नहीं जा पाएंगे सर। यानी जनवरी फरवरी तो ऐसे ही निकल जाएगी, मार्च के आसपास चुनाव भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव यूपी में, जैसे यहाँ चुनाव है तो चुनाव का भी एक फैक्टर डिपेंड कर सकता है कहीं ना कहीं एग्जाम को सेट करने में। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यूपी बोर्ड में तो फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ, लेकिन एक बड़ा फैक्टर चुनाव भी डिपेंड कर सकता है। तो आगे चुनाव भी है सर, फिर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि कोरोना आने वाला, ओमिक्रोन आ गया है, वायरस धारा 144 लग गई है, लखनऊ में ये है वो है, दुनिया भर की अब्बा दुनिया भर की बात है। डिटेल अगर आप समझें और कायदे से समझें तो सर अभी आप फोकस करिए इम्प्रूवमेंट पर, इम्प्रूवमेंट का पेपर हो जाए उसके बाद फिर देखिए कि क्या माहौल और किस तरीके की चीज़ें, आपको धीरे धीरे खुद ही चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे जैसे दिसंबर खत्म होगा वैसे पेपर आपके इम्प्रूवमेंट के, ज़्यादा टेंशन में लीजिए, रह गई यूनिवर्सिटी चोर है, पैसे चुरा लिए उसने, बच्चों पैसे खा लिए, क्या करा जाए। अभी TET के पेपर है 3 दिन कैंसिल होगा, UPTET का पेपर कैंसिल हो गया, कुछ लोग कहेंगे नेट की दिक्कत, ये थी 50 दिक्कत, और तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, यहाँ दिक्कत क्यों हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में ही ऐसा क्यों, 50 तरीके की दिक्कतें लेके घूम रहा है। बैंक में आप जाइए, ठीक, 50, हम कई बार ऐसा गए, कहना नहीं चाहिए हमें, लेकिन हम कहेंगे सर डाकखाने में गए हम, वहाँ पर जो बैठ के पैसे काट रहे थे, जब उनके ऊपर पंखा लगा था, कस्टमर बौरा बन के खड़ा, ना हुआ कोई, ना कोई सीट बैठने की है, ना कुछ है, पंखे भी नहीं है, आदमी मर रहा है और वो भी अंदर बैठ गया। हाँ भैया सर्वर डाउन है, सर्वर नहीं चल रहा, काहे का सर्वर डाउन है यार, तुम क्या कर रहा, मतलब यानी हम ये मान के चले कि भारत में नेट नहीं है इस वजह से चीजें पीछे, ये मानेंगे क्या हम? नहीं सर, लेकिन कोई मानने में, कोई इस पे कहने को नहीं तैयार है। हमने एक बच्चे से पूछा क्या दिक्कत है बताओ एजुकेशन में, अरे हमें कोई दिक्कत नहीं, हटो रील बाजी से मतलब, हमें वो रील देखने में खुश है, उससे दिक्कत सबको है, अलग से हम शिक्षा से बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। आप बताइए भाई, 4 बातें हमें बताइए, हम आपकी बात को उठाएंगे, अरे हटो यार हटो, अरे तुम्हारी बात है कोई नहीं, चल रील देख रहा बैठे। तो कहना भाई वाली बात नहीं है कि सरकारी स्कूल में नौकरी हर आदमी करना चाहता, पढ़ना कोई नहीं चाहता, नेतागिरी जो है कहने के लिए समाज सेवा, नेतागिरी कहने के लिए समाज सेवा, तो सैलरी क्यों लेते हो, और अगर सैलरी देते हो तो उसके पेपर पैसे क्यों नहीं, अंगूठा छाप है 5वां, एक आदमी तैयारी कर रहा है उसकी 30-40 हज़ार, अंगूठा छाप है इनोवा लेके घूम रहा। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर कहने को है, लेकिन वही वाली बात है, ठीक है सर अब कोई आवाज उठाने को नहीं है, हम प्रॉपर इस पर एक वीडियो बनाने को है। आप लोग हमें बताइए सर आपकी क्या क्या समस्याएं हैं शिक्षा पे, नीचे आप कमेंट करिए, आपको क्या शिकायत है सरकार से, उस पर प्रॉपर एक वीडियो लेके आएंगे, हमारा एक दूसरा चैनल है मेन चैनल उस पर, या फिर इसी पे बनाएंगे सर। तो आपकी जो जो आपको लगता है कि शिक्षा की शिकायत है, आप एजुकेशन सेक्टर में है, आप टीचिंग सेक्टर में है, आप पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, या आप पढ़ चुके हैं कभी भी, आपने कौन सी समस्याओं का सामना किया, कभी आप सरकारी कॉलेज में पढ़े तो वहां पर क्या दिक्कतें थी, वो सारी बातें आप नीचे कमेंट करके बताइए, हम उस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे। और बात देखिए, हर आदमी बहुत कुछ नहीं करता, लेकिन हर आदमी थोड़ा थोड़ा कर सकता है, और अगर हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करे तो यकीन मानिए एक दिन बहुत कुछ हो जाएगा। तो आपकी जो भी आपको लगता है दिक्कतें, उन्हें आप नीचे कमेंट करें, उन पर हम प्रॉपर एक वीडियो लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे हम दो लोग बैठ के, हम और आप, कि किस तरीके से इन चीज़ों से समस्या का समाधान किया जा सकता है, शायद वो बात कहीं पहुँच पाए। अब कुछ लोग कहेंगे अभी जो यहाँ पर बैठ के 200, 400, 500 व्यू में कह रहे पहुँच पाए,
उसकी कोई मतलब नहीं है सर। एक बार चीज में अगर दम होता ना, आपकी बात अगर पहुंची, हमारे थ्रू ही पहुंची या किसी के थ्रू, तो वो बात बहुत आगे जा सकती है और उसे पहुंचाएंगे आप। कुछ लोग कहेंगे अरे अपने चैनल का प्रचार करें, नहीं सर ये हमारी सोसाइटी का चैनल है, हमारी जेब में कुछ नहीं आता इससे, हम लोग की सोसाइटी है, गरीब बच्चों के लिए काम करती है, हम तो क्या भाई अपना। तो सीधी सी बात यही है, आराम से जो भी आपको दिक्कत है, आपको लगता है कि पेपर कैंसिल हुए इस पर क्या है, सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है, सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, ठीक है, या फिर पेपर क्यों नहीं हो पा रहा है, वैकेंसी क्यों नहीं निकल पा रही है, शिक्षा और रोजगार रिलेटेड जितनी आपकी शिकायतें हैं आप कमेंट नीचे भर के करिए, कमेंट भर भर के करिए, हम उस पर प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे। आप इंतजार करिए और देखिए पूरी रिसर्च करके वीडियो लेके आएंगे आप। जो अगर 100 कमेंट आएंगे सर, तो ये मेरा वादा है कि 100 के 100 कमेंट हम उस वीडियो में ऐड करेंगे और पूरा प्रॉपर रिसर्च के साथ में या जेन्युइन कंटेंट लेके आएंगे। तो कमेंट करिए भर भर के, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का। कल तक जितने कमेंट्स आ जाएंगे उन पर पूरा एक डिटेल रिसर्च, और उसके बाद पूरी टीम है यहाँ पर, पूरा एक रिसर्च करने के बाद उस पर बनाएंगे और फिर देखते हैं शायद अपनी बात लोगों तक पहुंच पा रहेगी। पेपर की बात इंप्रूवमेंट सर अभी नहीं तो 10 दिन बाद होने ही है, धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए, और जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी वैकेंसी हो सकती है, भर्ती हो सकती है, एग्जाम हो सकता है, आपकी दिक्कत की सर हम अपने भैया के साथ में गए थे पेपर देने, भैया वैसे ही बड़ा मारा, वो कह रहा था नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, और एक बार ले गए उसे पटा हटा के, वो वहाँ पेपर कैंसिल हो गया, भैया हमें गालियाँ दे लो तुम्हारा जय होता है तो हम नहीं जाएंगे। जो भी दिक्कतें आपके साथ में हो रही सर नीचे कमेंट करिए। बस दोस्तों इतना ही, अगर एक बात जाते जाते आपको बता देंगे, अगर आप 9 से लेके MSc तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहते हैं, पहले इसी चैनल पर पढ़ाते थे लेकिन एक नया चैनल कल ही बनाया गया फीचर्ड में लगा हुआ है BDKDN साइंस, उसे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। BSc की फिजिक्स, BSc की केमिस्ट्री, MSc फिजिक्स सब कुछ उस पर आने वाला है प्रॉपर, ठीक है सर, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, लगभग तैयार है, एडिटिंग बाकी है उसकी, हीलियम नियॉन लेजर लेके आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया था, तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट अब लाने वाले हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी भी जो फीचर्ड में हमारे ब्लॉग चैनल वगैरह हैं आप देख सकते हैं कैसी लाइफ स्टाइल भी हम लोग जीते हैं। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे, अपनी समस्याओं को नीचे कमेंट में जरूर करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।